स्टूडेंट कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपका पेक्स अकेडमी के ई पोर्टल पर, जहां पर हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों, मशीनिंग। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले पिछले लेक्चर्स देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको हर लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ओके। नौ बेटा, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट समझने के लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है कटिंग स्ट्रेन। कटिंग स्ट्रेन, कटिंग स्ट्रेन क्या होता है? देखो, आपको पता है बेटा कि शेयर प्लेन के अलावा चिप अपने पेरेंट मटेरियल से अलग होती है। चिप अपने पेरेंट मटेरियल से अलग होती है, किस प्लेन के अलावा? शेयर प्लेन के अलावा। तो इसी शेयर प्लेन के अलावा जितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उसे हम कटिंग स्ट्रेन कहते हैं। यानी कि चिप को पेरेंट मटेरियल से अलग करने के लिए कितने स्ट्रेन की जरूरत होगी या कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होना चाहिए, वो आप कटिंग स्ट्रेन से निकालते हैं और वो हमेशा शेयर प्लेन के अलोंग ही चेक करते हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि शेयर प्लेन ना होकर एक जोन होता है। अब उस जोन में कई प्लेन होते हैं, तो हमें हर प्लेन से तो मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ वो प्लेन चाहिए जहां पर चिप अलग हो रही है अपने पेरेंट मटेरियल से या अपने बेस मटेरियल से। ठीक है, और उसी के अलोंग, उसी प्लेन के अलोंग अगर आप स्ट्रेन को मेजर कर लेंगे तो वो कहलाएगा कटिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो आ अंडरस्टैंड, यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेटा एक चीज के एवरेज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन अलोंग द शेयर प्लेन, along the shear plane is known as cutting strain or shear strain। यानी कि इसी स्ट्रेन को हम शेयर स्ट्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कटिंग स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन। कटिंग स्ट्रेन किस लिए? कि कटिंग होने पर कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। शेयर स्ट्रेन किस लिए? कि जो आपका शेयर प्लेन होगा उसके अलोंग ही आपका स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, वो भी नेचर में। कौन सी नेचर का होगा? शेयर नेचर का होगा। तो शेयर प्लेन के अलोंग जो स्ट्रेन लगता है वो शेयर स्ट्रेन होता है और इसी को हम कटिंग स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, अब बेटा इस स्ट्रेन का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमें एक मॉडल की जरूरत होती है। उस मॉडल को हम मतलब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्पेशल मॉडल बनाया था इसे समझने के लिए। उसका नाम है साइंटिस्ट का पिस्पैनन। ठीक है, उनका नाम है पिस्पैनन और उन्होंने एक बनाया था कार्ड मॉडल। कार्ड कौन से बेटा? वही ताश की गड्डी जैसे होती है। ठीक है, जैसे ताश का पैकेट होता है ना प्लेइंग कार्ड्स का, तो उसी को हम कार्ड कहते हैं। ठीक है, अब उस कार्ड में आप देखें कि अगर उस पैकेट को अगर मैं ऊपर से हल्का सा डिस्प्लेस कर दूं तो कार्ड अपनी जगह से ऐसे हो जाते हैं, आप समझ रहे हैं ना। तो ये एक तरह का शेयरिंग मॉडल है, इससे पता चलता है कि शेयरिंग कैसे होती है। तो पीस पैनन का जो कार्ड मॉडल है वो हम यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है हमारे पास एक डायग्राम होना, ताकि हम टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकें, जान सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक मॉडल। ये आपका वर्कपीस हो गया एंड कंसीडर दिस इज कटिंग टूल। ये तो वर्कपीस है और ये कटिंग टूल है। अब चिप जो है हम कर्ल्स की या स्पाइरल की फॉर्म की ना लेकर कैसी लेते हैं? कार्ड जैसी, जैसे कार्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कार्ड होते हैं, यानी कि ऐसे। ठीक है, तो जो हमारी चिप्स हैं आप नोटिस कीजिए, अब वो कार्ड के जैसी हैं। दीज आर चिप्स, ये सब चिप्स हैं और ये ऐसी हैं जैसे कार्ड होते हैं। ठीक है, तो इसी मॉडल से पॉसिबल है कटिंग स्ट्रेन का पता लगाना। ठीक है, अब मैं एक चिप को, चिप की नेमिंग कर देता हूं। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई एंड अगर मैं इसे आगे बढ़ा दूं तो दिस इज एफ। ओके, तो ए बी सी डी एक चिप है। तो इसमें नोटिस कर रहे हैं आप कि अगर मैं कटिंग टूल को हटा दूंगा तो सी डी लाइन ई एफ पर आ जाएगी, यानी कि ये चिप खिसक के नीचे आ जाएगी,
बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही मैं टूल को हटाता हूं, सी पॉइंट ई के ऊपर आ जाता है, डी पॉइंट एफ के ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये बात आप समझ लेना, एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लेना कि जैसे ही कटिंग टूल हटेगा, ए बी सी डी चिप नीचे आएगी, और कैसे आएगी कि सी पॉइंट ई के ऊपर आ जाएगा, डी पॉइंट एफ के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ लेना। अब मैं आपको बताऊंगा कि शेयर स्ट्रेन होता क्या है, शेयर स्ट्रेन होता क्या है। आपको याद होगा इसके लिए हम क्या करते थे, एक ब्लॉक लेते थे बेटा, जिसे नीचे से हम फिक्स कर देते थे, याद है? सो मैं बार बार यही डायग्राम पढ़ते होंगे। यहां पर एक फोर्स लगाते हैं जिससे आपका ये ब्लॉक ऐसे डिस्प्लेस हो जाता था, याद है? तो शेयर स्ट्रेन निकालने के लिए हम अगर ये एंगल निकाल लें थीटा, तो हमें पता चल जाएगा शेयर स्ट्रेन कितना है। अब ये थीटा निकालने के लिए मेरे पास दो डायमेंशन होनी जरूरी है, एक तो ये वाली डेल्टा एस और एक ये वाली डेल्टा वाई। ठीक है, तब मैं आसानी से कह सकता हूं दैट टेन थीटा, दैट टेन थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, थीटा बहुत छोटा होता था इसलिए हम इसे टेन थीटा को लगभग लगभग किसके बराबर मान लेते थे, थीटा के, और उसे हम कह देते थे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। करेक्ट, तो डेल्टा एस बेसिकली क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा वाई क्या है बेसिकली बेटा, हाइट। ठीक है, ज्योमेट्री से देखिए आप, इतना तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये इसकी हाइट हो गई। ठीक है, तो थीटा ये, तो इसी को हम कहते थे बेटा शेयर स्ट्रेन, क्या कहते थे, शेयर स्ट्रेन, याद है? ठीक है, इसी को हम क्या कहते थे, शेयर स्ट्रेन। ठीक है, आप जरा नोटिस कीजिए, आप यहां पर मैं क्या करता हूं बेटा, सी डी ई, यहां पर देखिए सी डी ई, इसको एज ए ट्राइंगल मैं यहां बना लेता हूं, सी डी ई, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, करेक्ट। तो मैंने ये वाला पोर्शन यहां बना लिया है, ओके ठीक। अब मैं आपसे कहता हूं बेटा ये जो ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल की ये हाइट कितनी है, दिस इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, इसे यहां ले लेते हैं ई पॉइंट को। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये, दिस इज द हाइट, तो हाइट को मैंने क्या माना है, डेल्टा वाई, दिस इज डेल्टा वाई, है ना? तो यानी कि ये जो पोर्शन बना, इसकी हाइट कितनी होगी, डेल्टा वाई। ठीक है, मैं इसको इससे रिलेट कर रहा हूं बेटा, ये ध्यान में रखना आप, ओके नाउ। अब देखिए, अब जो चिप है वो अलग होने के बाद, जो चिप है आपकी वो अलग होने के बाद यहां से यहां पहुंची, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा एस, करेक्ट। यानी कि अगर देखा जाए, जब चिप अलग होने वाली थी तो यहां थी, लेकिन डिस्प्लेस हो गए अलग होने के बाद, ई पॉइंट से सी पॉइंट पर पहुंच गई, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, ये आपका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। बस समझ में आ रही है या नहीं, ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट। बताइए यहां तक समझ में आया या नहीं, ये बात समझ में आ रही है बिल्कुल अच्छे से, क्या हो रहा है यहां पर, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके नाउ, अब ध्यान से देखो बेटा, ये एंगल कितना होता है, शेयर एंगल, याद है आपको, ये एंगल क्या है आपका, शेयर एंगल। तो ये तो हो गया आपका शेयर एंगल बीटा ओ। ठीक है, अब रेक सरफेस वर्टिकल के साथ कौन सा एंगल बनाता है बेटा, ये एंगल कितना होता है, अल्फा ओ, याद है आपको। ठीक है, तो आप देखें अगर ध्यान से, अगर हम ध्यान से देखें इस चीज को, तो हाँ ये एंगल कितना हुआ बेटा, ये रेक सरफेस ही तो हुआ, कि भाई DE क्या है, रेक सरफेस ही तो है, तो ये एंगल कितना होगा बेटा, अल्फा ओ। बात समझ में आ रही है, एनी डाउट, यहां तक कुछ समझ में ना आया हो, ठीक है, फिर से देख लीजिए, रिपीट कर करके देख लीजिए मैं कौन सा एंगल की कहां बात कर रहा हूं। ठीक है,
ओके नाउ तो ये एंगल देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये दो पैरेलल लाइन है, ये से कट कर दिया तो ये एंगल कितना हो गया बीटा ओ, ये एंगल कितना हो गया बीटा ओ, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये लाइन कटती तो ये बीटा ओ हो गया। ठीक है, अब देखिए इस ट्रायंगल में देखिए, इसे अगर मैं कह देता हूं डी डैश और मैं कहता हूं आपसे चेक आउट द ट्रायंगल ई डी डी डैश, ई डी डी डैश, इसमें आप देखेंगे ये 90 डिग्री है ना, ये एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल ई डी डी डैश कितना होगा, अब देखिए ध्यान से, इस ट्रायंगल में ये एंगल तो अल्फा ओ है, ये 90 है, तो ये जो बचा ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा ओ, ठीक है, बात समझ में आ रही है, 90 माइनस अल्फा ओ, एनी डाउट, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो, ओके तो अब ध्यान से देखना बेटा, एंगल ई डी डी डैश यानी कि ई डी डी डैश, ये पूरा एंगल तो है 90 माइनस अल्फा नॉट, और एंगल आप अगर ध्यान से देखें, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं एफ, इस पॉइंट को मैंने कह दिया एफ, और अगर ध्यान से देखें एंगल एफ डी सी, एंगल एफ डी सी यानी कि ये वाला एंगल यहां से यहां तक का, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस बीटा नॉट, हो जाएगा या नहीं 90 माइनस बीटा नॉट, तो एंगल एफ डी सी यानी कि ये एंगल छोटा वाला, ये यहां से यहां तक एफ डी सी, ये 90 माइनस बीटा नॉट हो गया, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल सी डी एफ में ये बीटा नॉट है, ये 90 है, ये बीटा नॉट है, ये 90 है, बात समझ में आ गई, तो ये बचा कितना इस ट्रायंगल में 90 माइनस बीटा नॉट बचा, ओके, और आप पता लगा चुके हैं एंगल ई डी डी डैश, ई डी यानी कि ये पूरा एंगल कितना है 90 माइनस अल्फा नॉट, तो एंगल एफ डी ई कितना होगा, एंगल एफ डी ई कितना होगा हमें ये देखना है, तो इस पूरे में से मैं इतना घटा दूं, इस पूरे एंगल में से इसको घटा दूं, तो ये मेरे पास ये बचेगा या नहीं, ठीक है, तो ये पूरा कितना है बेटा, ये वाला 90 माइनस अल्फा नॉट, और इसमें से मुझे माइनस क्या करना है, इतना, ये कितना है 90 माइनस, मुझे निकालना है एंगल एफ डी ई, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस अल्फा नॉट माइनस ये इतना, यानी कि ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस बीटा ओ, तो ये आ जाएगा आपका बीटा ओ माइनस अल्फा ओ, करेक्ट, एंगल एफ डी, बात समझ में आ गई, तो बीटा ओ माइनस अल्फा ओ आ गया है ये वाला एंगल। अब साथ साथ मुझे वैल्यू बता दीजिए आप एंगल डी ई एफ की, डी ई एफ, एंगल डी ई एफ की क्या होगी वैल्यू, ठीक है, अब देखिए डी ई एफ, अब देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए ट्रायंगल डी एफ ई में ये 90 है और इसकी वैल्यू मैंने ये निकाली, तो ये कितना बचेगा, इसे 90 में से घटा दूं तो ये पूरा एंगल आ जाएगा डी ई एफ, आ जाएगा या नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं ये 90 है ना, और ये मैंने निकाल लिया है इस ट्रायंगल में, तो ये बचेगा कितना बाकी 90 माइनस ये एंगल, तो ये हो जाएगा 90 माइनस बीटा नॉट माइनस अल्फा नॉट, बताइए यहां तक सही है या नहीं, इसे समझ लीजिए अच्छे से, ये आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके, इसे बार बार बना के देखिए बेटा 2-3 बार, कोई भी डाउट आया आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ओके, नाउ अब देखिए बेटा, आपको पता है कि शेयर स्ट्रेन, आपको ये चीज पता है कि शेयर स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट अपॉन हाइट, होता है या नहीं, ठीक है, तो अब देखिए यहां पर डेल्टा एस कितना है बेटा, सी ई के बराबर है, सी ई अपॉन डेल्टा वाई किसके बराबर है, डी एफ के बराबर है, डी एफ ये है आपका है, तो दिस इज एफ दिस इज डी, तो डी एफ के बराबर है डेल्टा वाई, अब सी ई को, सी ई को मैं लिख सकता हूं बेटा सी एफ प्लस एफ ई, सी एफ प्लस एफ ई अपॉन डी एफ, अब इनको मैं अलग अलग लिख लेता हूं कैसे, कि सी एफ अपॉन डी एफ प्लस
एफ ई अपॉन डी एफ, एफ ई अपॉन डी एफ, सी एफ अपॉन डी एफ को यहां लिख लिया मैंने और एफ ई अपॉन डी एफ को यहां लिख लिया। अब ध्यान से देखिए बेटा, सी एफ अपॉन डी एफ, सी एफ अपॉन डी एफ, सी एफ, अब देखिए आप इस वाले ट्रायंगल को, ट्रायंगल अब हमें देखना है, ट्रायंगल सी डी ई, ट्रायंगल सी डी सॉरी एफ, सी डी एफ, ट्रायंगल सी डी एफ को देखिए, सी एफ ये वाला एंगल 90 है ना, आपको पता है दिस इज द एंगल विच इज 90, तो सी एफ अपॉन डी एफ, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, सी एफ अपॉन डी एफ कॉट बीटा नॉट प्लस कॉट बीटा नॉट। अब देखिए एफ ई अपॉन डी एफ, अब देखिए ट्रायंगल डी एफ ई में, अब आप देखना ट्रायंगल डी एफ ई में, यानी कि डी एफ और ई में, इसमें आप देखेंगे बेटा कि हमें निकालना है एफ ई अपॉन डी एफ, ये एंगल 90 का है या नहीं। तो एफ ई अपॉन डी एफ ये भी हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, तो ये भी क्या बन जाएगा, इस एंगल का कॉट है ना। अगर मैं इस एंगल का कॉट निकालू तो आप ये तो बताएंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना है बेटा, ये वाला एंगल कितना है, डी सी ई डी, एंगल सी ई डी कितना है बताइए, एंगल सी ई डी आपका होगा, आपको याद होगा 90 माइनस बीटा नॉट माइनस अल्फा नॉट। अब इसका कॉट, तो कॉट 90 माइनस बीटा नॉट माइनस अल्फा नॉट, इसका कॉट, तो ये वैल्यू इनकी हमने एंगल की फॉर्म में निकाल दी। तो यहां मैं लिखूंगा कॉट बीटा नॉट प्लस 10, कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, तो 10 बीटा नॉट माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये आ गया आपका शेयर स्ट्रेन एप्साइलन, ये आ गया फॉर्मूला आपका किसका, शेयर स्ट्रेन अपॉन एफ सॉरी शेयर स्ट्रेन एप्साइलन का फॉर्मूला, ये देखिए कॉट बीटा नॉट प्लस 10 बीटा नॉट माइनस अल्फा नॉट, समझ में आई बात, ठीक है बेटा। बार बार देखना, दो तीन बार देखना इस वीडियो का, आपको ये डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। एग्जाम के लिए रिजल्ट बहुत होता है जानना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, बट कहां से कौन सी चीज आई इसे देखने के लिए आपको ये डेरिवेशन कम से कम दो तीन बार देखना पड़ेगा। ओके नाउ अब यहां पर एक रिलेशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं हम कि कटिंग स्ट्रेन ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है जब आप किसी चीज को कट करेंगे तो आप यही कोशिश करेंगे कि स्ट्रेन कम से कम प्रोड्यूस हो, क्योंकि जब स्ट्रेन कम से कम प्रोड्यूस होगा उतना कम से कम कटिंग फोर्स लगेगा। तो फेवरेबल कंडीशन है मशीनिंग की, जो सुटेबल कंडीशन है, सुटेबल कंडीशन ऑफ मशीनिंग, सुटेबल कंडीशन ऑफ मशीनिंग क्या है, के एफ सी शुड बी लोअर, कटिंग फोर्स जो है वो आपका कम होना चाहिए। अब जब एफ सी कम होगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सो एप्साइलन शुड बी, एप्साइलन शुड बी लोअर, तो कटिंग स्ट्रेन भी कम होना चाहिए। अब एप्साइलन लोअर हो उसके लिए क्या तरीका है, सो अल्फा ओ एंड बीटा ओ सॉरी एक सेकंड इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अब जितना कटिंग स्ट्रेन कम होगा उतना कटिंग फोर्स कम लगेगा। अब कटिंग फोर्स कम लगाने का इनको कैसे वेरी कराते थे, आपको याद होगा कि बीटा नॉट हायर हो या ऑर्थोगोनल रेक एंगल भी हायर हो, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आपको पता है यही तो फेवरेबल कंडीशन थी कि शेयर एंगल हाई होना चाहिए, ऑर्थोगोनल रेक एंगल हाई होना चाहिए, जिससे क्या होता है बेटा, आपको याद होगा कि एफ सी कम हो जाता था। जब एफ सी कम होगा तो बेटा स्ट्रेन भी कम प्रोड्यूस, यानी कि जब किसी चीज पे फोर्स कम लगेगा
तो स्ट्रेन भी कम प्रोड्यूस होगा, तो हमें किसी तरह एफसी कम रखना है। एफसी को कम रखने का क्या तरीका है कि बीटा नॉट को और या अल्फा नॉट को या दोनों को एक ऑप्टिमम वैल्यू तक हम लेके जाएं, यानी कि मैक्सिमम तो नहीं बट हाँ हायर होनी चाहिए ये वैल्यू, जिससे क्या होता है एफसी कम होता चला जाता है। और जैसे ही एफसी कम होगा बेटा स्ट्रेन रेट स्ट्रेन भी कम हो जाएगा। तो ये था बेटा आपका कटिंग स्ट्रेन के बारे में टॉपिक आज हमारा, ठीक है। ये बहुत ही टिपिकल टॉपिक है, इसे बहुत ध्यान से पढ़ना। बेसिकली इसका जो रिजल्ट है वो तो याद ही रखना आप, क्योंकि आपको एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछा जाता है। और एक ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना, ठीक है, कि कैसे आप कटिंग फोर्स, आपकी फेवरेबल कंडीशन होती है कटिंग फोर्स को कम करना, और कटिंग फोर्स को कम करने के ये दो तरीके हैं। और जब किसी चीज पर फोर्स कम लगेगा तो स्ट्रेन भी कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये था आज के लिए, अब आगे के टॉपिक में हम अगले लेक्चर्स में मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए बेटा। आप अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी और भी सब्जेक्ट्स के जल्द ही, बहुत जल्द ही आपके पास लेक्चर आने वाले हैं इसके साथ साथ, ठीक है। क्योंकि समय कम होता है बेटा किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन का, तो उसको हम क्या कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करने के लिए और भी लेक्चर इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।